देखिए क्वेश्चन नंबर 11 टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 2i टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 2i माइनस 4j प्लस 5j इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया और बी वेक्टर क्या है पहले तो उसने पूछा फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टेल्स दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट इट्स एडजेसेंट साइड यानी इसका डायगोनल होगा ए प्लस बी होगा ठीक है ना ट्रायंगल में समझाया भी था इसका जो रिजल्ट डायगोनल होगा होगा ए प्लस बी ए प्लस बी करने से डायगोनल का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो इसमें बोला डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर बताओ ए प्लस बी जब करेंगे उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना बहुत मुश्किल है वेक्टर जो भी आया होगा डिवाइड बाई एट कितना पोर्शन हो गया दूसरा कहता है एरिया निकालो एरिया पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकालेंगे कराओ ठीक है ना ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट वाले से आई जे के और ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट फिर जो आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर कर लेंगे सारे अंकित मैं एग्जांपल में दे रखा हाँ ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ एक्स सो वाई एंड जेड आर 1/3 1/3 1/3 वो कह रहा है उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन जो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स ओ एक्स से देखो ओ एक्स से ओ वाई से और ओ जेड से सपोज ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कह रहा है एक ऐसा वेक्टर जो रिकॉर्डिंग चल रही है एक ऐसा वेक्टर जो एक्स वाई और जेड से इक्वली इंक्लाइंड हो इक्वली इंक्लाइंड मीन्स दैट वेक्टर इज मेकिंग इक्वल एंगल विद ऑल द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्स से जो एंगल बनता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं अल्फा वाई के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बीटा और जेड के साथ बोलते हैं उसको बोलते हैं गामा तो अकॉर्डिंग पर कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू थीटा सेम एज्यूम कर लो तीनों इक्वल है थीटा मान लिया ठीक है हमें ये प्रूव करना ये वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 1/√3 1/√3 1/√3 अब ऋषभ हमें आप ये बताओ कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं एलएमएन या एंगल बनते हैं कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोसाइन ऑफ एंगल तो कॉस अल्फा एल कॉस बीटा एम और कॉस गामा एल ठीक है तो डायरेक्शन कोसाइन एल होता है कॉस अल्फा ठीक है यानी कि होगा कॉस थीटा ये सब छोड़ो वी नो दैट मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस के संदर्भ में एक रिजल्ट बताया था अगर एलिमेंट एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो इसका एक रिजल्ट होता है एल इक्वल टू वाई अब एल होता है कॉस अल्फा और अल्फा बीटा गामा इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल है जिसको हमने बीटा मान लिया है यहाँ पे क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर वेक्टर होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अल्फा बीटा गामा सारे थीटा के इक्वल है क्या आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3 क्लियर